हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारा देश जो है 76वां स्वतंत्रता दिवस जो है मना रहा था, और उसी पर जो है हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उससे पिछले दिन जो है एक्चुअली देश को एड्रेस किया, और उसमें जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ खास बातें कही, तो आज हम उसी बातों को देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को जो है एक्चुअली हमारा देश क्यों इंडिपेंडेंस डे मनाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमें ऑफिशियल तरीके से एक्चुअली आज़ादी मिल गई थी, और उसी दिन जो है एक्चुअली हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है रेड फोर्ट पे एक्चुअली ट्राई कलर को फहराया था, और वहाँ से जो है एक्चुअली एक ट्रेडिशन बन गया, और उसी दिन 15 अगस्त 1947 को जो है हर प्रधानमंत्री एक्चुअली ट्राई कलर जो है रेड फोर्ट पे फहराते हैं, तो वहाँ से जो है एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है। तो आज जो है हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल के एड्रेस में एक्चुअली क्या खास बातें कही, और अगले 25 साल एक्चुअली देश का कैसा रहने वाला है, और उसमें हमारा देश एक्चुअली कैसा बनेगा, हम इस वीडियो में ये जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल नो द वर्ल्ड ऑन मैप को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहे। उसमें यदि मैं पहली बात करूं तो उन्होंने अमृत काल पे जो है फोकस किया, और यदि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने भी जो है अगले 25 साल जो है अमृत काल कहा है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया एग्जिट 25 जो है अमृत काल आ गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो उन्होंने युवा शक्ति पे एक्चुअली फोकस किया है, बिल्डिंग एन एस्पिरेशनल इंडिया ड्रिवन बाय पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से कैसे हम एस्पिरेशनल इंडिया बना सकते हैं, कैसे हम एक्चुअली वो इंडिया बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। तीसरी बात एक्चुअली उन्होंने नारी शक्ति की कही, उन्होंने कहा कि हमारे जो कंडक्ट है और एक्चुअली जो भी बिहेवियर है, किसी न किसी भी तरीके से यदि हमें नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बेसिकली एम्पावरिंग वीमेन एज अ की एलिमेंट इन नेशनल बिल्डिंग जो है उन्होंने तीसरी बात जो है ये कही है। चौथी बात की यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने पंच प्राण एक्चुअली पाँच प्राण को जो है उन्होंने बात की है, 25 ईयर्स एक्चुअली इन पांच प्राणों पे यदि हमारा देश चलता है तो कहीं ना कहीं ये एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। मैं पांच प्रण की बात करूँ तो उसमें सबसे पहले जो कहा उन्होंने एक्चुअली गुलामी का कोई भी कण यदि हमारे भीतर है तो कहीं ना कहीं उसको जो है ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो उन्होंने एकता और एकजुटता पर जो है फोकस किया है, यानी कि बिल्डिंग यूनिटी विद इंटीग्रिटी। उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो जो हमारे देश में विविधता है कहीं ना कहीं उस पर बात की है, उन्होंने कहा कि जो विविधता है हमारे देश की वो एक स्ट्रेंथ है, तो रिस्पेक्ट करिए उस डाइवर्सिटी की। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो हमारा हेरिटेज है, लीगेसी है, जो सिविलाइजेशन हम लोगों ने वहाँ एंशियंट काल से और अभी तक जो है हमने गैदर किया है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है गर्व करने को कहा है। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तो उन्होंने इन सभी को जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है भारत की, और ये जो एक्चुअली पाँच प्रण है कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनने में जो है बहुत मदद करेंगे। छठे पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो उन्होंने करप्शन और नेपोटिज्म पे एक्चुअली बहुत ही कड़ा वार किया है, उन्होंने कहा है एक्चुअली करप्शन जो है एक दीमक की तरह हमारे देश को खाया जा रहा है, और उसके अलावा यदि मैं बात करूं नेपोटिज्म जो है सभी से अवसर छीन कर एक्चुअली उन नेपोटिस्ट लोगों को जो है मिल रहा है। सातवीं बात यदि मैं बात करूं तो उन्होंने जो है परिवारवाद पे अटैक किया, और कहीं ना कहीं जो है फैमिली पॉलिटिक्स जो चल रही है पूरे देश में कहीं ना कहीं उस पर भी जो है वार करते रहे हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं आपको कॉमन दिखेगा लगभग लगभग हर भाषण में। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो जो सबसे शॉकिंग एक्चुअली कन के भाषण में जो है हमारे प्रधानमंत्री को देखने को मिला है कि अगले 25 साल में जो है इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है उससे जो है एक्चुअली डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। इस पर कहीं ना कहीं वर्ल्ड मीडिया का भी जो है बहुत ही बड़ा रिएक्शन देखने को मिला है, और इंडिया डेवलप्ड नेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा 2047 तक ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, कल के यदि एड्रेस की मैं बात करूं तो ये जो है बहुत ही बड़ा एक्चुअली स्टेटमेंट देखने को मिला है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 9वें में जो है एक्चुअली उन्होंने कुछ फार्मर्स की बात की, कई जो ऐसे स्कीम है और मेगा प्रोजेक्ट जो एक्चुअली पूरे देश में चल रहा है, और एक्चुअली यदि आप उनका पूरा भाषण देखेंगे तो कुछ चीज़ें एक्चुअली हमेशा आपको कॉमन मिलेंगी, जैसे कि स्कीम हर घर जल से नल। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हाउस देने की कहीं ना कहीं, उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो सैनिटेशन जो टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कई और चीज़ें जो स्कीम पूरे देश में इस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है बहुत ही बड़ी बातें कहीं, और कहा एक्चुअली कई सारी जो चीजें हैं जो इतिहास में नहीं हो पाई है वो हमने करके दिखाया है। 10वीं और यदि मैं आखिरी बात करूं तो उन्होंने जो है सभी फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जेपी नारायण, उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो दीनदयाल उपाध्याय और ऐसे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी को याद किया और उनको जो है सत सत नमन किया और अपना सर झुकाया है उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के सामने। ये थी ऐसी 10 बातें जो कि प्राइम मिनिस्टर के कल के एड्रेस से कहीं ना कहीं देखने को मिली है, और ये 10 बातें जो है सभी सिटीजन्स को जो है फॉलो करनी चाहिए, और उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी करेंगे। और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो उन्होंने ड्यूटीज़ पर भी फोकस किया है, उन्होंने कहा है कि ड्यूटीज़ भी सबको अपनी पूरी करनी चाहिए, और इससे जो है पीएम और सीएम अछूता नहीं है, तो ड्यूटीज़ पर भी जो है कहीं ना कहीं फोकस किया है।
तो इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, एक्चुअली पहला तो है ड्यूटीज, और उसके बाद यदि मैं बात करूँ तो डेवलप्ड नेशन हालांकि ड्यूटीज निभा पाते हैं नहीं निभा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, हालांकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो डेवलप्ड नेशन बन पाता है नहीं बन पाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। उससे पहले यदि मैं बात करूँ तो जो 2025 तक का जो डॉलर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना था वह एक्चुअली पूरा हो पाता है नहीं हो पाता है, ये देखने वाली बात है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।